नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे UPSM FSC एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है इसकी मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गई है और आज हम इसमें आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक वाइज बताने वाले हैं। यानी कि आपने फॉर्म डाला है, आपकी मेरिट लिस्ट आपने देख चुके हैं, तो आप आपका अपनी रैंक देख पा रहे होंगे कितनी है। तो आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि अब हमें इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, या प्राइवेट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आपकी कितनी रैंक है और आपकी कैटेगरी क्या है। उसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग हम आपको मेरिट रैंक बताने वाले हैं कि आपको श्योर ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने लॉक करा दिया होगा, 12 तक आपको लॉक करवाना है, उसके बाद ही इसका अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आ जाएगा जिसमें आपको कॉलेज का नाम शो होगा। पर मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग आपको ठीक तरीके से करते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि आपकी कैटेगरी में आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, ज़रा सा स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, क्योंकि उससे क्या आपको कोई भी नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो बनाता हूँ इसके रिगार्डिंग तो आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, आपको कॉलेज अलर्ट हो जाएगा इतने में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जनरल रैंक बताऊंगा कि आपकी जनरल में कितनी रैंक होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले मैं आपको जनरल बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल में जो आपकी रैंक हो रही है, तो सबसे पहले आप जनरल की रैंक जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 65। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लें आपकी जनरल में आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो जनरल मैं आपको रैंक बता रहा हूँ, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखना तभी आपको समझ में आ जाएगा। आप समझ सकते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाएगी। तो 650 से लेकर आपकी 700 आपकी जनरल में रैंक बैठ रही है, तो आपको गारंटी से आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही कॉलेज मिल जाएगा कोई ना कोई। और आप देख, अब इसके अलावा OBC में, अगर आप OBC की रैंक, यानी OBC जिनकी कैटेगरी है, तो उनकी जो रैंक होनी चाहिए जिसमें कॉलेज मिल जाए, तो आपकी होनी चाहिए 700 से लेकर 850 तक। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC में आ रहे हैं, SC कैटेगरी रैंक है, ये क्या है, SC कैटेगरी रैंक, जो SC में आपकी जो रैंक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें SC के काफ़ी SC और ST के लिए काफ़ी रैंक मिलती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको एडमिशन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपकी 100 जो आपकी रैंक का बेनिफिट होने वाला है, तो ये होनी चाहिए आपकी 1200 लेकर 1350 के बीच में आपकी, और SC रैंक में है तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही। फ्रेंड, इसमें आपका वेरियस और मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखना है तो स्किप नहीं करना है, तभी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और हम बात कर लें, SC जो कि लास्ट में आपका ST कैटेगरी में, यानी जिन भी स्टूडेंट ने ST कैटेगरी है उनकी और इन्होंने फॉर्म जो उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी का डाला है, तो उनको भी वेट रहेगा कि हमें कितने तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की ही बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग तक बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो का अंत तक बने रहें। तो जो आपकी ST रैंक होती है, सबसे लो इसमें ST रैंक ही रहती है, जो कि 2000 से लेकर आपकी 2200 तक की आपकी रहती है। तो फ्रेंड, ये 2200 यानी कि 2000 से लेकर 2200 ST कैटेगरी रैंक रहती है। और इसके अलावा हम बता दें आपको कि अगर आपको ST के बाद EWS भी आपके पास क्या है, EWS, अगर आपके पास जनरल में हो, अगर आपके पास EWS लगा है फॉर्म में जब भरे जा रहे होंगे, तो उसमें EWS का ऑप्शन मांगता है, तो EWS आपके पास सर्टिफिकेट है EWS का, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें बेनिफिट होता है। उसका बेनिफिट कितना होगा, क्योंकि आपकी जनरल रैंक जो मैंने फर्स्ट पे बताई है ये वाली, वो बताई है 650 से लेकर 700 तक, अगर आपके पास EWS है सर्टिफिकेट, तो आपको उससे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये आपकी EWS में रैंक होगी वो होगी 750 से लेकर
800 तक। अगर आपके पास EWS है जनरल में तो आप समझ सकते हैं 750 लेकर 800 के बीच में आपकी रैंक होती है, तो आपको ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा ये बात है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। अगर इसके अलावा जिसकी जितनी भी रैंक होंगी उन सबको डाउट होगा कि हमें मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ उनको भी चांस है, क्योंकि लास्ट ईयर 25,000 एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे और जिसमें से उसकी रैंक लास्ट ईयर काफ़ी हाई गई थी। तो इस बार आपके 13,000, आप समझ सकते हैं कि कम से कम आपके कितने आधे लगभग फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 3 महीने इसका साइड खुली रही थी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। इस बार आपके समथिंग 1 महीना ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी अब की बार क्या फैकल्टी अच्छी तरह से वर्क कर रही है, लास्ट ईयर बहुत लेट हुआ था, इस बार आपके मेरिट लिस्ट भी जल्दी 10 दिनों के अंदर आ गई है, कॉलेज लॉक करने का 1 दिन में ही आपका कॉलेज लॉक करने का ऑप्शन खुल गया है। इसके अलावा आपको जो कॉलेज अलॉट है यानी कि 12 के बाद 15 तक आप समझ सकते हैं और 15 तक ठीक रहता है, तो 15 से लेकर 17 के बीच में आपको कॉलेज अलॉट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे और आपको कैश से लेके जाना पड़ेगा, DD का इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि DD लेके जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि आप वहाँ पे 24,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज को मिला है, तो 24,000 रुपये आप कैश लेके जाएं, और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने सोचा कि आज रैंक के अकॉर्डिंग बना दिया हूँ, कैटेगरी के अकॉर्डिंग बना दी जाए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं, ये आपने देखा ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग तक वेट करना चाहते हैं, इसके सेकेंड राउंड काउंसलिंग उसके बाद ही होता है जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पूरा एडमिशन हो जाता है प्रोसेस, उसके बाद आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग खुलता है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप जनरल रैंक, ये आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए बता रहा हूँ, ये आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग है ये आपकी। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप समझ सकते हैं कि आप अगर जनरल में हैं तो आप इसमें से आप 700 से लेकर 900 तक चांस समझ सकते हैं, और यही बात हम कर लें OBC में, तो यही बात कर ली हमने OBC में। तो OBC का आप समझ सकते हैं 850 से लेकर आपका 950 तक, या आप 1000 तक भी जा सकता है इस बार, 1000 तक समझ सकते हैं इसमें, 1000 तक आप समझ सकते हैं कि इस बार 1000 तक चला जाए, तो इस बार आप 1000 समझें से, क्योंकि पता तो है ही है इस बार फॉर्म कम भरे हैं तो इसकी डाउन ही जाएगी, तो इसी उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जाएगा इस बार 1000 सेकेंड राउंड तक। इसके बाद आपका है वो आता है SC कैटेगरी में, तो SC कैटेगरी का आपका मैं बताया है 350 से लेकर 1500 तक। इसके बाद आपका ST आता है, जो ST आएगा इसका आपका 2200 से लेकर 2500 के बीच में जा सकता है। फ्रेंड्स 2200 से लेकर 2500 ये मैंने लिखा है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा EWS भी इसी में ऐड कर सकते हैं, तो EWS करने के बाद आप 1000 के बीच में आ रहे हैं जनरल में, EWS भी मैंने लिख दिया EWS, तो आप 1000 तक समझ सकते हैं कि आपको सेकंड राउंड में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये कट ऑफ का पूरा बताया, और अब मैं बता दूं एक और था कि प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद में अगर आपकी सीटें बचती हैं तो थर्ड राउंड काउंसलिंग ज़रूर कराई जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी कराई गई थी, उससे लास्ट ईयर भी कराई गई थी थर्ड राउंड काउंसलिंग। तो ये ना सोचो कि प्रोस्पेक्टस में आपकी 2 काउंसलिंग लिखा है, पर उसमें आप देख सकते हैं उसमें ये भी लिखा है कि 2 काउंसलिंग आपकी पूरी हो जाती हैं, अगर फिर भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो आपकी तीसरी काउंसलिंग भी कराई जाएगी, और तीसरी काउंसलिंग के बाद भी आपकी कोई भी सीट रिक्त रह जाती हैं, चाहे 10 हों चाहे 5 हों, उसके लिए आपको उसमें पहले आवत पहले पावत का प्रावधान है, यानी कि जो अपना कॉलेज पहले जाएगा वहाँ पे तो उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो प्राइवेट में आप समझ सकते हैं कि आप इसके बाद में जो रैंक है आपकी प्राइवेट में वो आपकी 2500 से लेकर आपकी जो है रैंक वो 5000 के बीच में मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड इतना वेरियस होता है, तो आप कॉलेज ठीक से फिल करते हैं तो इसके बीच में है आपको प्राइवेट कॉलेज, चाहे आप जनरल का, OBC का, SC का, ST का, तीनों कैटेगरी का मैंने बताया है।
ये ना सोचा कि ये क्या है, एक ही में बता दिया तो इतने में यार आपकी रैंक है, इसके बाद में तो आपको मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही आपको लग रहा है कि हमारी रैंक ज़्यादा है, हमको गवर्नमेंट कॉलेज के चांस कम हैं, तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही प्राइवेट कॉलेज, अगर गवर्नमेंट के बाद में प्राइवेट कॉलेज ही लॉक करते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करते हैं, आपकी रैंक भी ज़्यादा है, तो आपको कोई भी कॉलेज अलर्ट नहीं होने वाला है। आपको लग रहा है कि हमें प्राइवेट ही मिल पाएगा, तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट डालें, चार पाँच समथिंग पाँच तक डाल दें गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद आप 6, 7, 8, 9, 10 तक आप डाल सकते हैं प्राइवेट कॉलेज। तो उससे क्या है, आपको गवर्नमेंट भी का गवर्नमेंट का भी आपका दूर हो जाएगा, गवर्नमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और आपको जब पाँच के बाद आप प्राइवेट है तो प्राइवेट आपको फिर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स आपको फिर भी कोई मेरे से डाउट है और कोई भी क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं मेरे से, तो फ्रेंड्स मैंने आपको हर वीडियो के अंतिम में बताता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जितनी आपको इन्फॉर्मेशन है वो पूरी पूरी देने की पूरी पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से लाइक किया कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही सही मिलेगी पैरामेडिकल चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो।